tryst with destiny. And now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. Chal uth ja, let's crack it, zor de laga. Let's crack it, khed ko chhod de. Let's crack it, raaste mod de. Let's crack it, chal uth ja. Let's crack it, zor de laga. Let's crack it, khed ko chhod de. Let's crack it, raaste mod de. Let's crack it. Zyada si hai ye baat, pariksha karni hai pass. Rok ke rakhna apni saans, apni ek hi aas. Pije sare mantar aur rat le sare formulae. Jab tak paar lage na nahi hai, tab tak rest na tu le. To is baar tu aad de, 6 foot andar gaad de. Aasmaan ko faad de, zara zor se dahaad de. Andar ki awaaz sun jo tere bhitar aayi hai. Zor laga tu zor laga. Let's crack it. Lad zara kuch kar dikha. Let's crack it. Lad zara kuch kar dikha. Let's crack it. Zor laga tu zor laga. Lad zara kuch kar dikha. Tu kaane hai badi, inki bhokte bada bhari hai. Bika hai pakwan, inka shiksha ke hue pani hai. Ek number tera kaam fees yahan bahut zyada hai. Tu baakiyon se piche hai, tu dekho kitna niche hai. Uske baap ka sikka chalta hai, tere baap ko aata sikke hai. Mat sun inki ye dhun, inki tu badhta ja, bas ladta ja. Crack karte ja, crack karte ja. Zor laga tu zor laga. Lad zara kuch kar dikha. Let's crack it. Zor de laga. हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा क्या तेरा भाई तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा, कर दिखा, लड़ के दिखा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एंड क्या प्लान है? कल संडे है तो संडे का प्लान करते हो कि अच्छा, आप रिवीजन टाइम कब रखते हो? मैंने एक दिन डिस्कस किया था आपसे, ठीक है, कि लेट्स से कि 6 days लर्निंग प्रैक्टिस और 1 day कम्प्लीटली डेडिकेट कर दो रिवीजन के लिए। कितना लोग ऐसा करता है एक बार बताइए जो मुझे, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि वो 6 days में जो आपने पढ़ा ना, वो आप डाइजेस्ट कर पाओगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। श्रीन छान, आई एम गुड, थैंक यू। सब लोग वीडियो शेयर कर दीजिए हर जगह, सबको इन्वाइट कर दीजिए। क्लास स्टार्ट हो गई है और बुक कैब का बैच भी स्टार्ट हो गया है। आज का टाइम टेबल सुन लीजिए सब लोग। आज इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिजी डे। शिवी अग्रवाल, आई लाइक दिस वन, ठीक है। कल आपका टारगेट है कि पूरा बैच खत्म कर दोगे। नोट्स बनाना, ठीक है, और हर नई बात को लिख लेना। एग्जाम में आएंगे ऐसी बातें, ठीक है, और हर जगह आपको मिलेंगी। गुड मॉर्निंग। तो ये हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन है, मींस फिर भी हम लोग पढ़ेंगे। डाउट है तो पूछ सकते हो। RC 99 वाला बुक वाला PDF बैच, ठीक है, ये वाला क्लास है। फिर 12 बजे का यहाँ लिखा नहीं है, 12 बजे सेंटेंस जम्बल से YouTube वाला है, 30 मिनट का क्लास होगा, ठीक है, देख लो उसको भी। YouTube वाला क्लास है सेंटेंस जम्बल। फिर 1 बजे द वैच दैट वी हैव बीन वेटिंग फॉर, बुकेबलरी वैच, प्रीफिक्स एंड सफिक्स वाली स्टोरी, इस पर क्लास होंगी। उसके बाद रूट वर्ड्स पर क्लास होंगी, ऑलराइट, बहुत कुछ कहानी होने वाली है। फिर हाइएस्ट, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी लेवल वर्ड्स, मीडियम फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, ठीक है। मैं आपको वो कहानी सुनाऊँगा जो आप खुद नहीं समझ सकते हो। तो ये बैच का आज पहला दिन है। जो लोग नहीं हैं प्लस पे, आप भी इनरोल कर लीजिए, डू नॉट मिस दिस स्टोरी। ऑलराइट, जो लोग प्लस पे हैं आज वेट करना 1 बजे का।
दो बजे बेसिक ग्रामर एरर्स, मैंने बताया हुआ है कि जो हाईएस्ट वाला एरर वाला है वो हमने 11 बजे कर दिया रात को, 4 बजे प्रैक्टिस सेशन है मॉक टेस्ट, 3 बजे मिक्स क्विज है, तो कहानियाँ ही कहानियाँ हैं, बस देखते रहो, प्रोफाइल बस चेक कर लिया करो आप लोग। चलिए आप अपने हिसाब से टॉपिक देख लो और उनमें से चूज कर लिया करो, अगर मेरी 10 क्लास हो रही है तो अगर आपको उसको 5 क्लासेस देखनी है तो आप डिसाइड कर लिया करो कौन सा टॉपिक आपको देखना है। बहुत सारे बैच लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है, हमारे प्यारे अभिजीत सर का भी बैच लॉन्च हो रहा है। चलिए गो फॉर इट, लेट्स क्रैक इट। फर्स्ट पैराग्राफ ऑन द स्क्रीन, बताइए कितना ग्रामर एरर निकाल सकते हो इधर। फटाफट इस सेशन को करते हैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वीडियो शेयर कर दीजिए। अ मंथ आफ्टर द कांग्रेस गवर्नमेंट इन पुदुचेरी वॉज पॉड डाउन थ्रू इंजीनियर्ड रेजिग्नेशन ऑफ देयर लेजिस्लेटर, द यूनियन टेरिटरी इज प्रिपेयरिंग फॉर एन असेंबली इलेक्शन दैट कुड ट्रांसफॉर्म पॉलिटिकल लैंडस्केप। इट्स अ बैटल दैट वुड प्राइमरली टेस्टेड वुंडेड कांग्रेस एबिलिटी टू वू द इलेक्टोरेट बाय एक्टिंग द विक्टिम कार्ड एंड द बीजेपी स्ट्रेंथ इन द ग्राउंड। चलिए इलेक्शन पॉलिटिकल पांडिचेरी बीजेपी कांग्रेस ये वाली लड़ाई हो रही है इधर। चलिए हंसी मजाक हो गया है तो अब जल्दी से बताइए, एक मिनट है आपके पास। न्यास सिंह ने बोला है सिर्फ दो एरर हैं, ओके Are you guys done with first paragraph? कुछ लोगों ने 5 एरर बताया है, ओके वीडियो को लाइक भी करते चलो एंड पढ़ते भी चलो। लेट्स डिस्कस, ठीक है, देखते हैं क्या क्या इशू है हमारे पास। रेडी, स्टोरी सिंपल है, बीजेपी कांग्रेस पांडिचेरी वाला पुदुचेरी वाला एरिया है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात हो रही है। ऑल वी नीड टू लुक फॉर द ग्रामर एरर्स, वोकैबुलरी एरर्स, और ये कहानी याद रखना, KBC, जिन्हें नहीं पता है, न्यू गाइज इन द हाउस, एंड ऑफ दिस सेशन वी आर गोइंग टू प्ले KBC क्विज, कौन बनेगा चैंपियन क्विज, वो क्विज इस पर बेस्ड होने वाली है, उसमें चैंपियन बन गए तो जिंदगी में चैंपियन बन जाओगे। अच्छा ये बू पकड़ लिया सबने, अ मंथ आफ्टर कांग्रेस गवर्नमेंट इन पांडिचेरी वॉज बॉट, खरीदी नहीं गई है, ब्रॉट डाउन, ओके सरकार गिर गई। All right, तो ये पहला एरर तो हमारे पास में ये हो गया, ठीक एवरीवन। अ मंथ आफ्टर द कांग्रेस गवर्नमेंट इन पुदुचेरी वाज ब्रॉट डाउन थ्रू इंजीनियर रेजिग्नेशंस, देखो इंजीनियर रेजिग्नेशन का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे इंजीनियर लोग थे वो रेजिग्नेशन दे दिए, ना, ऐसे रेजिग्नेशन कराए गए।
मैनिपुलेटेड। ये बात आप समझ पाए थे, थम्स अप दीजिए, या फिर आप सोच रहे थे कि हाँ सर उधर इंजीनियर कामचोर निकला होगा, वो काम नहीं कर रहा होगा, वो रेजिग्नेशन करवा दिया गया होगा, गलत सीमेंट लगा दिया गया होगा, ठीक है, इंजीनियर का बल्ब नहीं जला होगा। कितना लोग सोच रहा था कि इंजीनियर लोगों का रेजिग्नेशन हुआ है, एंड हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड द करेक्ट कॉन्टेक्स्ट हेयर, कि ऐसे रेजिग्नेशन जो कराए जाते हैं उन्हें इंजीनियर बोलते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। ऑलराइट, थ्रू इंजीनियरेशन ऑफ इट्स, ठीक है, इट्स होगा लेजिस्लेटर्स, द यूनियन टेरिटरी इज प्रिपेरिंग फॉर एन असेंबली इलेक्शन दैट कुड ट्रांसफॉर्म इट्स पॉलिटिकल लैंडस्केप, इट इज अ बैटल दैट वुड प्राइमरली टेस्ट कैन कुड मे माइट सेल शुड बी वन। मॉडल्स टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब माई फ्रेंड। अच्छा, मैंने बताया हुआ है तब ठीक है। कोई तो है जिसके दिल में आया था कि इंजीनियरिंग वाला रेजिग्नेशन, तुम बोलोगे नहीं, ठीक है। एनीवे, लेट्स हैव फन टुगेदर माय फ्रेंड। तो बुड टेस्ट, अ बुंडेड कांग्रेस, देखिए यहाँ पे हिसिंग साउंड आ रहा है, इधर एस दो लगी हुई है, एक एस और लगा दोगे तो ज़्यादा ईस हो जाएगा। कांग्रेस एबिलिटी एंड विच इज ऑकवर्ड एक्चुअली, सो टू अवॉइड द हिसिंग साउंड, हिसिंग साउंड जानते हो, सांप वाला, स्नेक वाला साउंड, तो वो अवॉइड करने के लिए हम ये जब यहाँ पे एस होता है तो ये एस नहीं लगाते, ओनली एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। डू यू नो दैट, गिव मी अ थम्स अप, कम ऑन। चलिए, इट इज अ बैटल दैट वुड प्राइमरली टेस्ट अ बुंडेड कांग्रेस एबिलिटी टू बू। देखिए मैं आपको ये पढ़ाया हुआ हूँ, जब आप किसी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो तो उसे आप बू कर रहे होते हो। वो अलग बात है कि वो आपको ये बोल दे कि जा तू गू खा ले, यू नो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट तुम्हारे दिल में तो बू होता है, उसके दिल में क्या होता है वो जाने। ऑलराइट, तो संभाल के रहिएगा। ये इस बू का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, मैंने ये समझाया हुआ है आपको, सो लेट्स इग्नोर दिस पार्ट। तो करेक्ट क्या हुआ, अट्रैक्ट करने के लिए। ऑलराइट, टेस्ट अ वुंडेड कांग्रेस एबिलिटी टू वू इलेक्टोरेट। अच्छा, इलेक्टोरेट जानते हो, तुम और मैं और हम सब वोटर्स। द फनी थिंग इज, जो मैंने बता रखी है कि इलेक्टोरेट इज प्लूरल ऑलरेडी, एंड इफ वी ट्राई टू मेक प्लूरल तो हमसे बड़ा स्टूपिड कोई ना होगा, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी प्लूरल। बोलो, इलेक्टोरेट इज प्लूरल, हम याद रखेंगे, एंड दैट मीन्स वोटर्स। तो ये करेक्ट है राइट नाउ। व्हील एंड बॉय, दुख और सुख का साथी, अर्पित भाई, एक्टिंग द, देखो वी प्ले द विक्टिम कार्ड। बूढ़े लोग, लड़की लोग, औरत लोग, आदमी लोग, हर कोई ये जाति वो जाति, ये धर्म वो धर्म, सब विक्टिम कार्ड खेल रहे होते हैं। ऑलराइट, सो प्ले द विक्टिम कार्ड होता है। एंड द बीजेपी से स्ट्रेंथ इन द ग्राउंड, नहीं ऑन द ग्राउंड। सो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ऑलराइट, आइए अब वेरीफाई कर लेते हैं। आपको याद रहता है, मुझे अच्छा लगता है, कहानी पता चल गई। तो ये वाला स्पेलिंग एरर था, और वर्ड एरर था, कॉन्टेक्स्ट एरर, प्रीपोजिशन एरर था, ये पजेसिव केस एपोस्ट्रोफी, ईडियम एरर था, प्ले द विक्टिम कार्ड होता है, ठीक है, वर्ब स्ट्रक्चर, प्रोनाउन, फ्रेजल वर्ब का एरर था, लैंडस्केप, ऑल द विजुअल फीचर्स ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड ऑफन कंसीडर्ड इन टर्म्स ऑफ देयर एस्थेटिक अपील। आहा, एस्थेटिक अपील, ब्यूटी पार्ट किसी भी चीज़ का, कोई समंदर है, कोई ग्रीन पास्चर, कोई ग्रीन फील्ड है, कोई रूम है, कोई बिल्डिंग है, कोई वो है, कोई तुम हो, कोई हम हैं, हम सब के अंदर एस्थेटिक पार्ट होता है, खूबसूरती। ऑलराइट, द सॉफ्ट कलर्स ऑफ द नॉर्थ लैंडस्केप,
वो सीक द फेवर सपोर्ट कस्टम ऑफ प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, ये तो सब जानते हैं ना, प्लेइंग द विक्टिम कार्ड इज द फैब्रिकेशन और एग्जैजरेशन ऑफ अ विक्टिम ऑफ फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन सच एज टू जस्टिफाई अब्यूज ऑफ अदर्स. नंबर टू, पूजा कन्नौजिया, आप तो शायद पहले से भी आ रहे हो ना पढ़ने, प्लीज पुराने 100 वीडियोस खत्म कर दो दोस्त, नहीं तो पता चला इतनी अच्छी यू नो लाइक कंटेंट, इतनी अच्छी कहानियां, और इनसे आप डिस्करेज हो जाओगे. ठीक है, कुछ समझ में ना आए तब भी 100 वीडियो खत्म कर दे, इतनी जिद नहीं कर सकता भाई, कर दो. ठीक है, सब समझ में आ जाएगा. अब आप, होता क्या है कि हम एक वीडियो देखते हैं और फिर हम खुद को जज कर लेते हैं, ओह लाइफ इज बैड, वो बहुत गलत है. योर हिंट प्लीज. अपना अपना हिंट बताइए सब लोग. हाँ, आई थिंक करेक्ट आंसर दे दिया सबने. नो, गलत आंसर दिया है. सम ऑफ यू आर सेइंग बी, सम ऑफ यू आर सेइंग डी. ओहो, गलत आंसर. स्टॉप स्टॉप स्टॉप, सम ऑफ यू गॉट इट राइट. अ पोलिटिकल नन एंटिटी टिल देन द बीजेपी हैड ओनली टेकन पोलिटिकल रिप्रेजेंटेशन थ्रू 3. अबे यार, नॉमिनेशन नहीं होता है, नॉमिनेटेड लोग होते हैं. 3 नॉमिनेटेड MLAs. अच्छा, बी में भी है और यहाँ पे भी है. ऑलराइट, है ना, 3 नॉमिनेटेड MLAs. 5 ईयर्स आई गोट 29 ऑफ इट्स 30 कैंडिडेट्स. ओके, फोरफीटेड देयर डिपॉजिट. जब आपसे कोई चीज छीन ली जाए, आपका नाम है, क्या नाम है, प्रियंका गहलोत, और पापा ने आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले पापा ने आपको ऑडी दे दी थी और आपका SBI PO का फाइनल रिजल्ट आने वाला था. पता चला कि रिजल्ट 0.5 नंबर से रह गया. सपोज ऐसा ना हो, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, पापा ने ऑडी छीन ली, बोला कि बेटा अब RBI में सिलेक्शन करके दिखाओ तब वापस देंगे. तो बिकॉज यू लॉस्ट समथिंग, और आपसे कोई चीज़ छीन ली जाती है, उसे फॉरफिट बोलते हैं. When something somebody takes back, all right? तो ये वाला करेक्ट जा रहा है, forfeit. यहाँ पे यहाँ nominated सही जा रहा है. It is, हाँ, जमानत जब्त हो जाती है, वो वाला हम पॉलिटिक्स में बोलते हैं ना. all right. ठीक है. So now it is contesting in 9 seats in an alliance led by the All India NR Congress. 16 seats. The AIADMK get 5 seats. The Congress has ceded ground to its allies. Give up kar diya hai. Congress. Allotting 30 seats to the DMK and 1 each to the CPI in basis. To Congress ke jo dost yaar log hai na, unke saamne ghutne tek diya. Bola theek hai tum log. Ki udhar ke wo gunde hain. I mean, ओके, ऑलराइट. अपने एरिया में एक होता है, आप किसी और दूसरे के एरिया में चले जाओ, समझ गए. तो कांग्रेस हैज सीडेड ग्राउंड टू इट्स अलाइज. इसके अलाइज कौन है, इसके दोस्त लोग कौन हैं, DMK, NCP, NBCK. इट इज कंसिडर्ड ओनली इन 14 ऑफ इट्स 15 कॉन्स्टिट्यूएंसी, 7 फ्यूअर देन 2016.
इस बार बहुत कम आंकड़ा है. ऑलराइट, फॉरफिट, लूज और गिव अप, नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस, अलायंस टुगेदर, सीडेड गिव अप कर देना. नंबर थ्री, सीडेड का मतलब गिव अप कर देना, सरेंडर कर देना भाई. नंबर थ्री, सो इंप्रूव द हाईलाइटेड सेंटेंस, इस सेंटेंस को इंप्रूव करना है. नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, कहानी भी याद करते चलो, क्वेश्चन भी करते चलो, भगवान का नाम लेते चलो. गिव इन और गिव अप पढ़ा देते हैं आपको, रुकिए हमसे दोबारा पूछ लेना. या करेक्ट आंसर, एंड व्हाट वाज योर हिंट माय फ्रेंड? इन यनम द सेकंड, मेरे दिमाग में यमन चल रहा था द कंट्री नेम. In Yanam, the second seat from where AINRC leader and former CM N. Rangaswamy is contesting, it has skipped, okay, fielding anyone. In an election season where perceptions somewhat influence public perception, public kya accept karegi? Alright, kaun jeet raha hai? Aise jab baatcheet chalti hai, to yehi public maan leti hai aur usi ko jita deti hai. So perception is very important in life. Or in election as well. Perception. The Congress has did them little good. Jada help nahi kara by not fielding former CM V. Narayanaswamy. All right. The Congress has done itself little good. Khud ke liye. By not fielding former CM. Matlab unko nahi lagaya to apna koi benefit nahi kiya. All right. The BJP has gone to town claiming he is scared to face the people. और BJP ने बोल दिया कि ये देखिए, ये चीफ मिनिस्टर साहब, ये लोगों के बीच में आने को रेडी नहीं है. He is a coward. Who said? BJP. तो perception change हो गया कांग्रेस के लिए. कांग्रेस no more strong force in the area. Number four. Insatiable desire. तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर, हम सब के अंदर इनसटाइबल डिज़ायर होनी चाहिए, कुछ पाने की, कुछ अचीव करने की, कुछ फाइट करने की. ऑलराइट, शिवि अग्रवाल, बेवजह काहे बना रहे हो कुछ, यू नो डाउट. वैसे ही जिंदगी में बहुत डाउट है, बेवजह मत बनाओ. आपने देम सेल्फ कहां लिखा देखा था? ओके, जितना बताया जाए उतना मान लो, नहीं तो बहुत दर्द होगा. आइए देखिए, इनसटाइबल मतलब कि जिसको शांत न किया सके. कुछ लोगों के अंदर ऐसी भूख होती है, उन्हें कितना भी खिला पिला दो, उन्हें तुम सेटिस्फाई नहीं कर सकते. ग्रीड, लालच, हम इसको पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिवली भी यूज़ कर सकते हैं. और रेवनेस का यही मतलब होता है, स्ट्रांग डिज़ायर, स्ट्रांग नीड, ग्रीड. ऑलराइट, इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, रेवनेस of hunger or need very great, voracious, very greedy.
बहुत लालची इंसान, बट हमारे अंदर मैंने उसको पॉजिटिवली यूज़ किया था कि वी नीड टू हैव इनसेटेबल डिज़ायर्स। ओके, आज मेरे को मैंने ये क्वालिफाई कर दिया, मैं नेक्स्ट ये क्वालिफाई करूँगा, मैं इतने पैसे कमाऊँगा, मैं इतना मेहनत करूँगा, राइट। द फेडरल एसेंशियली बिटवीन दीज टू अलायंसेज द बीजेपी विद इट्स इनसेटेबल पॉलिटिकल अपेटाइट। बीजेपी का पॉलिटिकल ऐसी भूख है जो कि इनसेटेबल है, जैसे हम मिटा नहीं सकते। पॉलिटिकली सक्सेस होना चाहती है, पूरे इंडिया में बीजेपी होना चाहता है। इट्स नॉट मियरली फेंसिंग इट्स चांसेस ऑन द स्ट्रेंथ इट ड्रॉज फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम इट इज एन मिशन मोड होपिंग टू मेक इलेक्टोरल इनरोड्स द मैनर इन विच इट्स लीडर्स पैराशूटेड फ्रॉम कर्नाटका कैंप्ड फॉर मंथ्स टू नॉट ओनली वीन अवे कांग्रेस गायब कर देना एंड डीएमके एमएलएस बट ऑल्सो एंगेज विद वोटर्स थ्रू इट्स पेज प्रमुख्स ठीक है पॉइंट्स टू इट्स डिटर्मिनेशन। कर्नाटका से पूरा बीजेपी का लीडरशिप उधर पहुंच गया, उधर डेरा जमा लिया। तो बीजेपी इज ऑन ए मिशन अनसेटेबल डिजायर अपेटाइट फॉर पॉलिटिकल सक्सेस इन इंडिया। तो मिशन पर निकले हैं ये दोस्त लोग। ऑलराइट, हैविंग एन इंस्टेबल अपेटाइट और ओके हंगर फॉर सक्सेस। हाँ, तुम्हारे अंदर और मेरे अंदर, हम सबके अंदर यही होना चाहिए। हमारा फिलहाल का भगवान ये है, एन इंसटेबल हंगर फॉर सक्सेस। कुछ लोग इतने कंफर्ट में रहते हैं, उन्हें जरूरत ही फील नहीं होती है। ऑलराइट, वीन बी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय स्पेशली फ्रॉम एन अर्ली एज और वीन अवे, इन्फ्लुएंस हो जाना, कमजोर हो जाना। चूज द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट बताइए, वीन अवे आपको बताया ना, कमजोर पड़ जाना, वीक हो जाना। आंसर प्लीज। ए आइए, लेट्स वेरीफाई। ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है, अभी हमारा कमेंट सेक्शन देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक चमकता सितारा है। ठीक है, बीजेपी हैज अलजेडली बिगिन डायरेक्टली कॉन्टैक्टिंग वोटर्स यूजिंग फोन नंबर्स लिंक्ड टू आधार कार्ड्स। ठीक है, विच द मदर डायरेक्ट द UIDAI टू प्रोब। ठीक है, डायरेक्ट फोन कॉल होने लगी है, but it this is still about the election process. The month long political instability in Puducherry has ended with the resignation of Chief Minister V. Narayanaswamy on Monday after he failed to prove his majority on the floor of the house. Idhar election chalne ka ghamasan yuddh hone ka chal raha hai aur ye keh raha hai कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी खत्म हो गई है। भाई साहब ने रेजिग्नेशन दे दिया, द चीफ मिनिस्टर रिजाइंड, हैंस द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो इनस्टेबिलिटी वो खत्म हो गई। मींस ऑल इज वेल इन पुडुचेरी। डू यू थिंक ऑल इज वेल इन पुडुचेरी माय फ्रेंड? दिस इज कंटिन्यूशन ऑफ द आइडिया दैट द इलेक्शन प्रोसेस इज गोइंग ऑन। बीजेपी वॉन्ट्स टू बिग विन, बड़ा जीतना चाहती है, एंड एवरी पार्टी ट्राइज know its best. Okay, so this is what went out, this is just saying one guy resigned and everything became all right. Now do you think so, everything all right? Boli there is a one person, the name is Ritu Yadav, isne shayad b lagaya tha, or maybe someone else as well. Projecting the erstwhile means
former Congress government as being incapable of delivering on its promise. The BJP is pushing the development agenda. Prime Minister Narendra Modi has promised to make Puducherry the best, a business hub, education hub, spiritual hub, a tourist hub. Wow, kya baat hai? What a namkaran. All right. Though Mr. Rangaswamy has declared himself as CM candidate, the BJP is stubborn that legislature will elect the head of the government. Ye bhai sab ready hai. I'll be the CM. But the people will decide. Okay, the MLAs, the guys will decide. All right, my friend, all right. Number 6. पंकज कुमार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ड्राई कैरीज? अच्छा, आप टाइम पास करने वाले आदमी हो. इधर एक बड़ी खूबसूरत कहानी चल रही है एग्ज़ाम के लिए. एक हिंदू का आर्टिकल है, उस पर हमने तोड़ के बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हैं. ठीक है, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट. और क्या बकवास कर रहे हो? इसी से बाहर निकल मेरे दोस्त, बर्बाद हो जाओगे. ठीक है, कहीं से रैंडम डिफ़िकल्ट सा वर्ड ला करके और फिर तुम टीचर का नॉलेज चेक करते हो. जानते हो बर्बादी के लक्षण होते हैं. बाकी का ये ड्रैगन फायर को लेकर के होता है. ठीक है, गेम ऑफ थ्रोन्स में सुना था मैंने. ठीक है, फायर ड्रैगन की फायर से मिलके बना हुआ वर्ड है. सुधर जाओ, बर्बाद हो जाओगे. थैंक यू, शुक्रिया. मेरा काम है भटकते हुए को राह दिखाना, उसे बताना कि तू क्या गलत कर रहा है. बाकी तेरी मर्जी है दोस्त. ओके गाइस, कौन सा पार्ट फेल होगा एंड व्हाट इज द लॉजिक हियर? अच्छा, कन्फ्यूजिंग लग रहा है. ठीक है, देन आई एक्सप्लेन. नहीं समझ आया, आइए. गिवन दिस पॉलिटिकल गेम प्लान, चल रहा है ना हमारी स्टोरी में, पांडिचेरी पुदुचेरी, कांग्रेस बीजेपी अंदर सम एलाई सम अदर पार्टीज. ऑलराइट, कांग्रेस हार मान लिया पहले ही. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑथर ऑफ दिस आर्टिकल एंड बीजेपी इज ऑल इन एवरीवेयर. तो गिवन दिस पोलिटिकल गेम प्लान, द कांग्रेस कैन नॉट होप टू विन सिंपथी बाई मेयरली स्क्रीमिंग अबाउट द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. सिर्फ ऐसा बोल के थोड़ी आपको सिंपथी मिल जाएगी, ना तुम जीत सकते हो. तो मैं अपना स्ट्रांग पक्ष दिखाना पड़ेगा. यू हैव टू कन्विंस पीपल, यू नो. एंड द गवर्नमेंट हर्डल्स पोस्ड बाई द फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण, अच्छा गवर्नर किरण बेदी साहब. ऑलराइट, इट कांग्रेस विल हैव टू वर्क विद डीएमके अलाइज, लीविंग बिहाइंड द बिटरनेस ओवर कंसीडिंग मोर सीट्स इफ इट वॉन्ट्स टू अननेसेसरी चैलेंज द बीजेपी. कांग्रेस सिर्फ रोने धोने से डेमोक्रेसी का मर्डर हो रहा है. बेदी जी ठीक नहीं है, किरण बेदी जी वो ठीक नहीं है. ऐसे बोल के काम नहीं चलने वालेगा. तुमने डीएम के साथ मिलकर के, इट मींस कांग्रेस डीएमके के साथ मिलकर के और सारा दुख दर्द पुराना भूल करके पैचअप करना पड़ेगा इफ यू वांट टू डिफीट बीजेपी हियर. ऑलराइट, कंसिस्टेंस, सॉल्यूशन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्यूशन. फॉर द पीपल द अट्रैक्शन ऑफ द बीजेपी इज द एक्सेस इट प्रोवाइड्स टू सेंट्रल फंड्स. लोगों को लगता है कि सेंट्रल फंड्स, ऊपर से फंड्स आएगा तो बीजेपी अच्छा है. बट द टेन्योर ऑफ मिस बेदी वॉज नॉट द बेस्ट एडवर्टीजमेंट फॉर व्हाट द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर कैन डू. लेकिन मिस बेदी
कि टेन्योर जो था वो शासन कार्यकाल था 5 ईयर्स, सिर्फ उसकी बातचीत करने से काम नहीं चलेगा फॉर बीजेपी. सो दिस इज करेक्ट विद असेंबली इलेक्शन द यूनियन द लेफ्ट इकोनॉमिस्ट वेदीश शुड रिकमेंड. नाउ दिस इज अबाउट कांग्रेस. फर्स्ट 2-3 सेंटेंस अबाउट कांग्रेस. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ड्राइव चौड़ना जो ओके ओके डेफिनेशन 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 पार्लियामेंट डेमोक्रेसी डेफिनेशन है. कितना लोग एग्री करता है कि सी तो पक्का डेफिनेशन है. बोलिए बोलिए बोलिए. देखिए ना वाई इंजीनियरिंग डिफेक्शन सो क्लोज टू द इलेक्शन बीजेपी माइट हैव लॉस्ट मोर देन इट गेन्ड. दिस इज अबाउट बीजेपी माई फ्रेंड. दिस इज अबाउट कांग्रेस. दिस इज द डेफिनेशन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. दिस इज अबाउट बीजेपी. बचा ए और बी. तो अगर पोस्टमार्टम करो ऑप्शंस का तो आप देखो कितना इजी लग रहा होगा. यहां तक पहुंचने के लिए कीप रीडिंग कीप सॉल्विंग ए इज करेक्ट आंसर. मेयरली जस्ट ओनली लेडीज एंड जेंटलमैन. ठीक है लेट्स फ्लाई केवीसी. गिव मी अ थम्स अप. अगर आप रेडी हैं तो दिल बनाइए थम्स अप कीजिए. 7 out of 7 पर टारगेट करते हैं. ठीक है कहानी पता चल गई है कि ज़्यादा लोग नहीं है. कुछ लोकल पार्टीज हैं बीजेपी है कांग्रेस है पुडुचेरी है मिस किरण बेदी जी हमें नरेंद्र मोदी जी हैं. ऑल राइट और बेस्ट की डेफिनेशन बहुत गजब बनाए हैं. ऑल राइट गंगा बहनी चाहिए. हम एक अप्रोच बनाए थे शायद अब समझ में आ गया वो इम्पोर्टेंस. हम जो कह दिए ठीक है उसे समझ लीजिए अप्लाई करा करो. बट हाँ इट वॉज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन वेरी गुड क्वेश्चन बाय द वे. आहा क्या आंसर आ रहा है. चुनाव के नतीजे आना स्टार्ट हो गए. नाउ इट्स माई फन टाइम. ओके अजय सिंह जी आप कैसे हैं. Look at my comment section. What a beautiful place. Chaos. कुछ आर्टिस्ट होते हैं दे फाइंड ब्यूटी इन chaos, इन डिसऑर्डर. वेल आई एम दैट आर्टिस्ट राइट नाउ. ठीक है मेरे कमेंट सेक्शन में गंद फैली हुई है बट आई एम हैप्पी. एनी वे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस. इट इज़ अ बैटल दैट वुड प्राइमरी टेस्ट. एक ऐसा बैटल है जो टेस्ट करेगा बूंडेड कांग्रेस एबिलिटी घायल शेर. ऑलराइट कि एबिलिटी टू बू टू अट्रैक्ट द इलेक्टोरेट वोटर्स को अट्रैक्ट करने का बाय प्लेइंग द विक्टिम कार्ड एंड बीजेपी स्ट्रेंथ ऑन द ग्राउंड. बीजेपी की स्ट्रेंथ और इधर विक्टिम कार्ड खेलेगा कांग्रेस. तो एक ऐसा बैटल है तो उसकी एबिलिटी को चेक करेगा. ऑलराइट इतनी सी कहानी है. Cannot be inferred. It is a fight that will primarily put to the test the wounded Congress ability to lure voters by trick. Yep, this can be inferred. This story totally true. This story is this same story. Although half of the story is still true story. All right, samajh gaya. It is a fight that will primarily put to the test the wounded Congress ability to lure attract voters by trying to act like a victim. साहब अपन बहुत गरीब है साहब अपन को वोट दो ना. अपन 10 साल से हार गया है. ठीक है प्लेइंग द विक्टिम कार्ड.
It is a fight that will primarily test a wounded Congress ability to attract BJP's strength. Seriously, अबे तुम कांग्रेस इज लाइक कि काहे वोटर्स के पीछे भागो, काहे उनके पैरों पे पड़ो, काहे उनके साथ बैठ के खाना खाओ, है ना, अनहाइजेनिक. गरीब लोग तो बेचारा ऐसे ही रहता है, सीधा अपने अपोनेंट को अट्रैक्ट कर लो. इधर समझ रहे, एक पार्टी का बंदा, इधर हेमा मालिनी अपोजिट पार्टी का, बोला कि मैं काहे पूरी जनता में जाऊँ, मैं हेमा मालिनी को ही पटा लेता हूँ. समझ गया, दिस इज वॉट हैपनिंग हेयर. कांग्रेस इज अट्रैक्टिंग बीजेपी. बोला गेम ही खत्म, मास्टर स्ट्रोक. एनीवे गलत है, ठीक है, हेंस कैन नॉट बी इन्फर्ड. you can see happiness. It is a fight that will primarily test BJP's strength on the ground. This is true written here. This is true written here. But this is not true. Thank you, shukriya. Samajh mein aa gaya to taaliyan bajni chahiye comment section mein. Number 2. Enjoy the show, my friend. And that's why this is the best class. इसको कोई देखता नहीं वो अलग बात है, बट राजन सिंह जी एन आई ओपनर. ऑलराइट, सरीन जहान, देखिए चुनाव के नतीजे आने लगे हैं, लोग रोने लगे हैं, लोगों के फेस देखिए, पता चल जाएगा चुनाव के नतीजे कैसे रहे. शुभम खेल गया, कह रहा है मेरा सही हो गया. पहला क्वेश्चन ही खतरनाक गया है, जनता में आक्रोश है. रीड द गिवन सेंटेंस. इन एन इलेक्शन सीजन वेयर परसेप्शन समवॉट इन्फ्लुएंस पब्लिक परसेप्शन. मैंने बताया था कि जो परसेप्शंस होते हैं, ठीक है, लोगों की जो ओपिनियंस होती हैं वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे इंडिया में, समझ गया, जो परसेप्शन होता है, या फिर पर्टिकुलर एरिया में, स्टेट में जो ओपिनियन होती हैं, वही उसी को ही जनता कर लेती है. जब लोग चर्चा करने लगते हैं, अरे पक्का इस बार बीजेपी आ रहा है, हर कोई जब कहने लगता है इस बार बीजेपी आ रहा है, तो बीजेपी आ जाता है. अरे इस बार कांग्रेस आ रहा है, आम आदमी की बन रही है, पक्का बन रही है, तो वो बन जाता है. तो परसेप्शन इन्फ्लुएंस. ऑलराइट, ऑलराइट. देखो ये भी लोगों ने, ये तो आपका सही हो गया. द कांग्रेस हैज डन इटसेल्फ लिटिल गुड बाय नॉट फील्डिंग फॉर्मर सीएम विनरन. ओके, अब आपने सीएम साहब को तुमने नहीं लेके आया, तो वो जनता सोच लेगी ये तो पहले ही हार गए बेचारे, अब हारे को काहे वोट देना. इन एन इलेक्शन सीजन वेयर एक्सपेक्टेशन कैन स्वे पब्लिक ओपिनियन, द कांग्रेस हैज डन इटसेल्फ अ फेवर. ना 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 ना, कोई फेवर नहीं किया, इनफैक्ट गड्ढा खोद दिया, पैर कुलाड़ी मार लिया. इन इलेक्शन सीजन वेयर एक्सेप्शन पब्लिक पार्टी कांग्रेस हैज डन इटसेल्फ नो फेवर बाय नॉट माय नॉमिनेटिंग फॉर्मर. करेक्ट, इन इलेक्शन सीजन वेयर एक्सेप्टेशन कैन इफेक्ट. ओके, द कांग्रेस हैज डन इटसेल्फ नो फेवर्स बाय नॉट रिप्लेसिंग फॉर्मर चीफ मिनिस्टर. अरे रिप्लेस नहीं करना था, उनको ही कैंडिडेट बनाना था. अभी कांग्रेस वॉज सपोज टू नॉमिनेट द दिस गाय, नॉट रिप्लेस. कंग्रेचुलेशंस, 1 करोड़ मिला है, संभाल के रखिएगा. ऑलराइट,
What does the author mean by the sentence? BJP with its insatiable particular appetite. मतलब भूख, political भूख है BJP के अंदर, भूखा प्यासा है BJP, उसको पूरा जीतने का है, ठीक है? Is not merely fencing its chance on the strength it draws from the central government. Central government के वो power में है, alright? Alright, और उसको full on भूख है. ठीक है, बीजेपी विद इट्स क्वेंच्ड, क्वेंच्ड मतलब प्यास बुझ गई. ऑलराइट, कोई कैटरीना कैफ वाला पूरा मैंगो वाला माजा पी गया. नाउ बीजेपी डज नॉट डिपेंड ऑन द पावर, बीजेपी डज नॉट डिपेंड ऑन द पावर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट ड्यू टू इट्स ग्लटेड. ग्लटेड का मतलब फुल सेटिस्फाइड, 50 रोटियां खा ली चिकन के साथ, अब कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में. डू यू फील सम टाइम कौन सी ऐसी डिश है वो खाने को लगता है जिंदगी पूरी हो गई, अब राम नाम सत्य हो जाए तब भी कोई इशू नहीं है. ऑलराइट, विद इट्स अनक्विंचेबल थर्स्ट, भूख प्यास, सी इज करेक्ट. नंबर 4, ग्लूटन तो पर्सन होता है, तो काहे जबरदस्ती कर रहे हो भाई, पर्सन थोड़ी हमें यूज करना था. नंबर 4, पे अटेंशन, पे अटेंशन. नंबर 4, चलिए साथ में चलते हैं. व्हाट कैन बी इलस्ट्रेटेड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, इट विल हैव टू वर्क विद द डीएमके. कौन? कांग्रेस. लीविंग बिहाइंड द बिटरनेस ओवर द कंसीडिंग मोर सीट्स. कांग्रेस ने डीएमके को बहुत ज़्यादा सीट दे दिया, तो कांग्रेस बेचारा बुरा फील कर रहा होगा कि ये भाई साहब ज़्यादा सीट ले गए, तो इस दुश्मनी को ख़त्म करो, बीजेपी से फाइट करो. इट विल हैव टू वर्क विद डीएमके लिविंग बिहाइंड द बिटरनेस ओवर द कांग्रेस मोर सीट इफ इट मीन्स कांग्रेस वॉन्ट्स टू अर्नेस्टली चैलेंज द बीजेपी strongly, passionately. Well, answer is E. All of you got it, E correct answer, so let us skip this one, hai na? All right. What is the theme of the given passage? Most important idea. Kya ho sakta most important idea? Overall idea. Let's find out. Chhota focus nahi chahiye, chhota recharge nahi, bada recharge. On the ballot in Puducherry, a territorial battle. Achha, the first step, the assembly election began peacefully. Achha, ho bhi gaya election. Okay. And trying to recover the lost ground with new promises. Madras High Court directing the URI to probe. Keh raha hai ki ye kaun number nikal ke call kar raha hai bhai. On Congress government has been incapable of delivering on its promises. Do close options hai. Let's see. राजेंद्र सिंह जी, शिवी अग्रवाल, शिल्पी झा, रितु यादव, शुभम कुमार, सोहन आर्यन, कांग्रेचुलेशन, और आपको मिलते हैं पूरे 7 करोड़. एक क्वेश्चन ही 7 करोड़ का था ये. ऑन द बैलेट इन पुदुचेरी, दिस रिप्रेजेंट इलेक्शन, है ना? बैलेट पेपर आता है ना, अब आता है कि नहीं? ठीक है, ऑलराइट. अ टेरिटोरियल बैटल इज रेजिंग, ये बहुत ही बड़ा ब्रॉड है ये, ठीक है? ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, ठीक है? ऑन ट्राइंग टू रिकवर लॉस्ट ग्राउंड विद न्यू प्रोमिसेस. अगर ये कह दो
कि ये कांग्रेस के बारे में है तो बीजेपी बुरा मान जाएगी। इमरान हाशमी साहब का डायलॉग, मंजर बुरा मान जाएगी, क्या डायलॉग था लिख के दिखाइए, समझ रहे हैं? तो ये कांग्रेस को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो बीजेपी बुरा मान जाएगी। और राइट, अब इस पे आ जाइए, ऑन कांग्रेस गवर्नमेंट एज बीइंग इनकैपेबल, फिर से बीजेपी बोलेगा कि हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, हमको कोई मेंशन ही नहीं किया गया है। दिस रिप्रेजेंटिंग द ओवरऑल पिक्चर। बोलो, समझ आया? Which of the following best sum up the article? Summary. आइए साथ में कर लेते हैं, बिकॉज टाइम हो चुका है। यस, द कांग्रेस डन इटसेल्फ अ फेवर बाय नॉट फील्डिंग फॉर्मर, सीरियसली। बीजेपी वोटर को कॉल कर रहा, लगता है ये समरी होगा। Congress will have to work with the DMK, leaving behind the bitterness over the country. The BJP is attempting to capitalize on its status as the ruling party at the center in Puducherry. BJP center mein government hai aur uska influence use kar raha hai idhar. Last question on your screen. एक किस ई के साथ जाना चाहेंगे हम? ओके, देखो सारे पैसे से उठाए हुए थे, डी नहीं उठाया गया था पैसे से, याद करो। ये बात कहीं नहीं लिखी हुई थी डायरेक्टली कि बीजेपी ऑलराइट, बाकी सारी कहानी कट कॉपी पेस्ट थी। लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ था, ठीक है, इफ यू सी द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस ना, वहां पे सेंट्रल, जो सेंटर का जो रोल है फंड्स वगैरह में और दूसरे इन्फ्लुएंस में, ये लिखा हुआ था। दैट्स व्हाई हाँ, एजेंट नहीं थी, कई सारी बातों का कॉम्बिनेशन था, डी। स्किप मत कीजिए यार, ये तो इजी है। देखो, अगर कोई काम टीडियस है, डल एंड बोरिंग माय फ्रेंड, इन वर्ड्स का तो मीनिंग ही नहीं पता। चलिए, आज हम कह रहे हैं नहीं पता नहीं पता, एक साल बाद भी हम ये बोल रहे हैं हमें नहीं पता, तो प्लीज स्टार्ट हो जाइए। मेरा बुक कैब का बैच आया, कम से कम वो ज्वाइन कर लीजिए। कांग्रेस ने तो खुद पर फेवर नहीं करा, तुम खुद पर फेवर कर लीजिए। टेक सम गुड डिसीजंस। बुक कैब बैच 1 PM, ये कोड लगा लीजिए और आ जाइए। बाकी तो जय हिंद जय भारत। तो डल एंड बोरिंग, ऑलराइट। कोई जब चीज़ लैक ऑफ एनर्जी हो जाती है, ओके, हाँ, तो इन दोनों को ही, ठीक है ना, लैक ऑफ एनर्जी, एनर्जी देखिए, PERTUR, पर्टर्ब्ड का मतलब होता है डिस्टर्ब्ड, दिमाग खराब है हमारा, एक नंबर नहीं ला पाए KBC में। और एक बंदा ऐसा होता है आराम से चिली पोटैटो खा रहा,
ही और सी इज अनपरटर्ब्ड, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता केबीसी आए ना आए, बस नरेंद्र सर की क्लास पसंद आती है मेरे को देखने का। कोई है यहाँ पे एनीवन अनपरटर्ब्ड? यहाँ पे कुछ लोग बहुत हाइपर हो जाता है, यू नो स्माइली बनाते हैं गोटे गुस्से वाले। एंड यहाँ कोई तो ऐसा होगा जो अनपरटर्ब्ड होगा, ओम शांति वाला। जिंदगी में कुछ मिल गया बहुत खूबसूरत, नहीं मिला अत्यंत खूबसूरत, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अनपरटर्ब्ड ओम शांति। और सैटिएटेड सेटिस्फाइड चिली पोटैटो। ऑलराइट, सो और डेलिनेटिव डिस्क्राइब करने वाला। अपना अपना स्कोर बताइए सब लोग, दोबारा से लिखिए, लेट मी रीड योर स्कोर्स, योर स्कोर प्लीज। एनीबडी फीलिंग अनपरटर्ब्ड सैटिएटेड? और हाउ मेनी ऑफ यू फीलिंग वैपिड टीडियस? चलिए आ जाइए, अगर आपको लगता है कुछ समझ नहीं आता है, कुछ नहीं जानते हो, तो ये मेरा प्लस कोर्स सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बहुत पढ़ा रखा है मैंने, पूरी ग्रामर की टर्मिनोलॉजी, ग्रामर की डेफिनेशन, एग्जांपल्स, उनके क्वेश्चंस, और वो भी ऐसे पढ़ाया है कि अगर किसी सिक्स क्लास के बच्चे को पढ़ाओ ना, वो पूरा याद कर सकता है, तुम भी कर सकते हो, मौका है, कंटेंट रेडी है, एक्सप्लेनेशन रेडी है, सब कुछ रेडी है, बस एक विल पावर की कमी है, आपकी इच्छा शक्ति, जब जरूरत हो तो याद रखना ये कोड और ये चेहरा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एवरी डे इट्स अमेजिंग, ठीक है, टू बी विद यू ऑल, थैंक यू। अभी आगे मिलते हैं, 11 बजे प्लस क्लास है, पेड़ वाली क्लास है, फिर 12 बजे यूट्यूब पे आ जाना, ठीक है, सेंटेंस जंबल्स कराऊंगा मैं, फिर 1 बजे पेड क्लास है, वोकैबुलरी बैच, 2 बजे फ्री क्लास है अनअकैडमी ऐप, 3 बजे फ्री क्लास है, 4 बजे पेड क्लास है, फिर रात को 11 बजे द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रेट डिटेक्शन, हाईएस्ट लेवल कैट एग्जाम वाली, पढ़ने आओ, कुछ ना कुछ तो समझ ही जाओगे। चलिए ऑल द बेस्ट, लाइक करके जाना, ठीक है, शेयर कीजिए, ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट। And now, the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. Chal uth ja, let's crack it, zor de laga. Let's crack it, khed ko chhod de. Let's crack it, raaste mod de. Let's crack it, chal uth ja, let's crack it, zor de laga. Let's crack it, khed ko chhod de. Let's crack it, raaste mod de. Let's crack it. साधन सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस, एक ही आस, पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले, तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, तू काने है बड़ी इनकी भोकते बड़ा भारी है, पीका है पकवान इनका शिक्षा के व्यापारी है, एक नंबर तेरा काम फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देखो कितना नीचे है, उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के है, मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, Let's crack it, zor de laga. Let's crack it, khed ko chhod de. Let's crack it, raaste mod de. Let's crack it, chal uth ja. Let's crack it, zor de laga. Let's crack it, khed ko chhod de. Let's crack it.
कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में करने का अभी मौका तेरे पास में है। करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं।